पहले ये BST PL386 है, इसकी इंस्टॉलेशन हम देख लेते हैं। ये आपका पावर है, ये आपका इसको सिस्टम से USB से कनेक्ट करने के लिए या लैपटॉप से आपको कमांड देनी हो प्लॉटर पे। ये आपका USB यहाँ पे, ये आपका पावर बटन है, यहाँ पे आपको एक टच डिस्प्ले दे रखी है। मैं इसका इंस्टॉलेशन बताता हूँ आपको कैसे करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे ब्लेड की बात कर लेते हैं। ब्लेड आपका यहाँ से ओपन होता है, ये हमने निकाला और ये आपका ब्लेड आ गया। अब इसमें यहाँ पे हमें यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है कि आपको ब्लेड कितने नंबर पे करना है, 1 नंबर, 2 नंबर। आपकी जो शीट है उसके कितने mm की वो शीट है ये उस पर डिपेंड करता है कि आपको यहाँ पे ब्लेड की सेटिंग क्या रखनी है। और यहाँ पे अगर आप इसको प्रेस करके अगर आप ब्लेड को निकालना चाहें, चेंज करना चाहें, जैसे ब्लेड थोड़े टाइम के बाद ब्लेड ख़राब हो जाता है कटिंग करने की वजह से, तो इसको आप चेंज कर सकते हैं। 2 ब्लेड आपको इस मशीन के साथ में मिलेंगे और यहाँ पे आप दोबारा इसको इंसर्ट ऐसे कर देंगे तो ये इस टाइप से कुछ ब्लेड चलता है इसमें। और यहाँ पे अभी जो मैंने इसको रखा है यहाँ पे 2 पे रखा है, 2 नंबर पे। अब इसको इस टाइप से आपको इंसर्ट करना है और हल्का सा इसको नीचे प्रेस करके आप ये बंद कर देंगे। आपसे इसको आपको ठीक से टाइट कर देना है, इसको क्लोज कर देंगे हम। इसके पीछे यहाँ पे आपको एक लीवर दे रखा है, ये आप अगर इसको प्रेस करते हैं तो जो आपके रोलर्स हैं वो थोड़ा ऊपर हो जाते हैं। तो जैसे कि मैं कोई शीट इसमें इंसर्ट करता हूँ तो रोलर को ऊपर करके आप इसको इंसर्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको एक सेंसर दे रखा है, इस पर आप जो भी आप यहाँ पे शीट करोगे वो यहाँ पे आपकी खुद ही एडजस्ट हो जाएगी। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, मैं इसको निकाल लेता हूँ। अब मैंने उसको लीवर को आपका ऊपर किया तो ऑटोमेटिकली जो आपकी शीट है वो यहाँ पे एडजस्ट हो गई है। आप चाहें तो यहाँ पे सेंसर को ऑफ भी कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे 2 मॉडल हैं, एक हमारा जो ये वाला मॉडल है BST PL386, इसमें क्या है आपका, इसमें आपको फ़ोन से कनेक्ट करना पड़ता है। और जो ये दूसरा मॉडल है हमारा BST PL386, इसमें क्या है, इसमें आपको फ़ोन से कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके मॉडल्स वगैरह है वो सारे आपके इसी स्क्रीन से आप इसमें आउटपुट दे सकते हैं। तो इसमें मैं आपको फ़ोन से कनेक्ट करने के लिए बता देता हूँ कैसे करना है। यहाँ पे आपको अबाउट अस में जाके आप इसको स्कैन करेंगे तो यहाँ पे आपका एक एंड्रॉयड ऐप जो है डाउनलोड हो जाएगा। आपके पास 2 लैंग्वेज आएगी, चाइनीज़ इंग्लिश, आप इंग्लिश पे करके करोगे तो यहाँ पे आपको जो है वो यूज़र और पासवर्ड हमारी तरफ से मिलेगा। आप इसमें लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आपके सारे ऑप्शन आ जाएंगे, मोबाइल, टैबलेट, कैमरा, वॉच। माय अकाउंट में जाके आप अपना जो भी आपकी सेटिंग वगैरह है और जो अकाउंट डिटेल्स हैं वो देख सकते हैं। सेटिंग में यहाँ पे आपको सेंसर ऑफ ऑन करने के लिए आपको मिल जाते हैं, जैसे कि मैं अभी यहाँ पे जो रिएक्शन है वो यहाँ पे ऑफ है। अगर मैं अभी इससे कनेक्ट करके, अभी मेरा फ़ोन डिवाइस इससे कनेक्टेड नहीं है इसलिए वो वर्क नहीं कर रहा। अभी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ मैंने ब्लूटूथ ऑन किया और मैं सेटिंग में गया, यहाँ BLE मैच पे इस पर क्लिक करना है आपको और ये ब्लूटूथ नेम आ जाएगा इसका। अब आपका यहाँ पे दिखा देगा ब्लूटूथ BLE कनेक्टेड सक्सेस। तो अब जो यहाँ से आप मशीन को एक्सेस कर सकते हैं, आप ये देख सकते हैं मैं यहाँ से उसको मशीन को वो कर रहा हूँ। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे ये रिएक्शन वाला ऑप्शन आपको बताया, ये यहाँ पे रिएक्शन अभी ऑन है तो सेंसर ये वाला वर्क कर रहा है। आप स्ट्रीट लगाओगे ऑटोमेटिकली पीछे चली जाएगी। मैं इसको रिएक्शन को ऑफ कर देता हूँ और अब मैं यहाँ पे जो शीट है उसको ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर सकता हूँ, जैसे मुझे यहाँ पे करनी है एडजस्ट। तो अब वो जो अब मैं मशीन को यूज़ करूँगा तो वो वहीं से ही आपकी कटिंग करना स्टार्ट करेगी। चाहे तो मैं ब्लेड को भी एडजस्ट कर सकता हूँ, इस साइड करना है या मेरे को लेफ़्ट या राइट करना है। होम पे आपके सारे मॉडल्स आते हैं, इस पर मल्टीपल मोबाइल फ़ोन्स के आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। ये सारे मोबाइल्स के जो ब्रांड्स हैं इसके अंदर आप देखोगे ये सारे मॉडल्स हैं इसमें। जैसे मैं आईफोन 12 प्रो का देख लेते हैं, यहाँ पे आपके पास फ्रंट बैक दोनों के मॉडल्स हैं, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। जैसे फ्रंट के आपका विद कवर भी है, विदाउट कवर भी है, और यहाँ पे फुल आपका बैक है, हाफ बैक है, कैमरा कट है, वो सब आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको कैमरा कट अलग से दे रखा है काफ़ी सारे मॉडल्स का, लोगो विदाउट लोगो। और इसके बाद आपको ये मैं इसमें कुछ सेटिंग्स दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपका ये QR कोड आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पे फंक्शन का एक ऑप्शन है, यहाँ पे स्पीड का आपके पास ऑप्शन है। स्पीड में आपको दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं, स्पीड और फोर्स का। आपका फोर्स जितना ज़्यादा रहेगा
उतनी जो शीट है उसके अंदर तक वो आपकी कटिंग होगी, उतना ज़्यादा फोर्स से आपकी जो मशीन है वो शीट को कट करेगी। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक टेस्ट करके दिखा देता हूँ। पहले मैं यहाँ पे सेंसर ऑन कर लेता हूँ ताकि शीट अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाए। ये मैंने रिएक्शन ऑन कर लिया, यहाँ से सेंसर ऑन हो गया है। तो यहाँ पे मैं टेस्ट करके दिखा देता हूँ आपको, ये फोर्स है, ये स्पीड है। फोर्स को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप इनको एडजस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे टेस्ट पे क्लिक करके देख सकते हैं कितना फोर्स लग रहा है और शीट आपकी उतने फोर्स पे कट हो रही है। तो अब जैसे यहाँ पे मैंने कटिंग की है तो ये अकॉर्डिंगली आपकी कट हो गई है इतने फोर्स पे। आप चाहे तो शीट के अकॉर्डिंग इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपकी शीट की एमएम कितना है, कितनी मोटी आपकी शीट है। अभी जैसे मैं इस शीट का आपको दिखा देता हूँ, तो शीट के अकॉर्डिंग आप इसको जो सेटिंग है वो आपको यहाँ पे अगर आप मशीन परचेज़ करते हैं तो बता देंगे हम कितनी एमएम की आपकी शीट है, तो आपको क्या इसकी सेटिंग रखनी है, फोर्स कितना रखना है, स्पीड कितनी रखनी है। ये फ्रंट और बैक के आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, ये आप देख सकते हैं। ये फ्रंट अलग अलग टाइप के हैं, फ्लेक्सिबल, एक्सप्लोजन प्रूफ, स्मूथ फिल्म, अलग अलग टाइप के यहाँ पे हैं ऑप्शन आपके पास।